हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जैकबोर्ड क्लास 8 का वीकली टेस्ट मैथ का 9 दिसंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आप लोगों का। 9 दिसंबर को गणित और हिंदी का वीकली टेस्ट होगा। इस वीडियो में हम लोग गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए हिंदी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद कर सकूं। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों से टोटल 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद करूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि 20 कलम का दाम 100 रुपये है तो 12 कलम का दाम क्या होगा? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 108, चौथा ऑप्शन है 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 60। मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, सब कुछ बता दिया किस तरीके से सॉल्व करना है, ये भी आप लोगों को बता दिया था। दो फॉर्मूला है, सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात का। दोनों फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर सीधा समानुपात वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, बच्चों की संख्या 7 है तो कलम की संख्या 14 है। यदि बच्चों की संख्या 2 है तो कलम की संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर भी सीधा समानुपात अप्लाई होगा। ठीक है, तो देखिए 7 बच्चे हैं तो 14 कलम है, तो 2 बच्चा होगा तो कितना कलम होगा? तो 2 बच्चा होगा तो 4 कलम होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 3 नंबर, 5 केजी टमाटर का मूल्य 150 रुपये है तो 90 रुपये में कितने केजी टमाटर मिलेंगे? देखिए 5 केजी टमाटर का मूल्य 150 है तो 90 रुपये में कितना केजी टमाटर मिलेगा? 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी या 2 केजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3 केजी टमाटर मिलेगा। ये भी आपका सीधा समानुपात है, सीधा समानुपात फॉर्मूला सब आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, 1 दर्जन केले का मूल्य 36 है तो 18 केले का मूल्य क्या होगा? 1 दर्जन यानी कि 12 केले का मूल्य है 36 रुपया, तो 18 केले का मूल्य क्या होगा? 40 रुपया, 36 रुपया, 48 रुपया, 54 रुपया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 54 रुपया लगेगा 18 केले का दाम। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, यदि 8 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 330 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी, कितनी केजी चीनी मिलेगी बताना है। देखिए 8 केजी चीनी का मूल्य है 240, तो 330 रुपये में कितना केजी मिलेगा? 10 केजी, 11 केजी, 12 केजी या 15 केजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 11 केजी चीनी मिलेगा। इसे भी आप लोग बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, सीधा समानुपात वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर, राम आधा घंटा में 250 शब्द टाइप करता है तो 125 शब्द टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए आधा घंटा यानी कि 30 मिनट में 250 शब्द टाइप करता है, तो 125 टाइप करने में उसका आधा लगेगा। आधा घंटा का आधा क्या होता है? देखिए 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 15 मिनट का समय लगेगा। इसे भी आप लोग बनेगा तो इजीली बन जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करता है, 10 आदमी है और कोई काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? अगर कोई सिंगल रहेगा, अकेले रहेगा तो कितना दिन लगाएगा काम करने में? देखिए 200 दिन, 100 दिन, 150 दिन या 250 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 200 दिन लगेगा उस काम को करने में। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला
आठ नंबर, यदि नल 420 बोतल पानी 4 घंटे में भरती है, यदि कोई नल है जो 420 बोतल 4 घंटा में भरती है, तो 8 घंटा में कितने बोतल पानी भरे जाएंगे? 4 घंटा में 420 बोतल भरता है तो 6 घंटा में कितना बोतल भरेगा? ये भी आपका सीधा समानुपात है, तो सीधा समानुपात वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, बन जाएगा। पहला ऑप्शन है 105, दूसरा ऑप्शन है 70, तीसरा ऑप्शन है 620, चौथा ऑप्शन है 630। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 630 बोतल भरा जाएगा 6 घंटा में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, मोहन 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 120 मिनट लेता है। मोहन 10 किलोमीटर जाता है 120 मिनट में, यानी कि 2 घंटे में, तो 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इनडायरेक्टली यहाँ पर 1 घंटा में 5 किलोमीटर का दूरी तय किया जा रहा है, तो 15 मिनट यानी कि 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर में कितना समय लगेगा 15 किलोमीटर जाने में? तो 3 घंटा या 150 मिनट या 182 मिनट या 1200 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 3 घंटा लगेगा। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 5 किलोमीटर, 5 5 5 5 3 बार 5 जोड़ देंगे तो 15 किलोमीटर हो जाएगा, 1 2 3 3 घंटा हो जाएगा यहाँ, इसलिए ये हो जाएगा 3 घंटा। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 10 नंबर की ओर, यदि 3 का सीधा समानुपात 12 है तो 4 का सीधा समानुपात क्या होगा? देखिए 3 का सीधा समानुपात 12 है तो 4 का सीधा समानुपात क्या हो जाएगा? 12, 16, 36 या 18? तो यहाँ पर देखिए सीधा समानुपात का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2, यही फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग तो 16 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद करूँगा। अब लोग बढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में समाप्त करते हैं, तो 35 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 45 आदमी उस कार्य को 49 दिन में पूरा करता है, तो आदमी घट जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। ये प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए इसको इस प्रकार हल करना है आपको, लिखना है माना 35 आदमी किसी कार्य को x दिन में पूरा करते हैं, तो आदमी की संख्या जब रहेगा 45 तो कितना दिन में कार्य पूरा होगा? 49 दिन में, और जब आदमी की संख्या 35 रहेगा तो x दिन में पूरा होगा। अब यहाँ पर देखिए यदि आदमी की संख्या घटेगा तो कार्य ज़्यादा दिन में समाप्त होगा, अतः यह प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात है, तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला जो है उसको हम लोग अप्लाई करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, 45 गुना 49 बराबर 35 गुना x हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे आंसर आ जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे 45 और 49 को तो 2205 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 35x और 35 को बराबर का दूसरे से लाएंगे तो भाग 35 हो जाएगा, x बराबर 2205/35 और इसको काट देंगे तो x बराबर 63, यानी कि 63 दिन में पूरा होगा, अतः 35 आदमी कार्य को 63 दिन में समाप्त करेंगे। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 पंप एक हौज को 12 घंटे में खाली करते हैं, 20 पंप है जो किसी हौजे को 12 घंटे में खाली करते हैं, यदि हौज को 4 घंटे में खाली करना है तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी? तो इसका हल देखिए, माना हौज को 4 घंटे में खाली करने के लिए x पंपों की आवश्यकता होगी, तो पंपों की संख्या जब 20 रहता है तो कितना समय लगता है?
देखिए 12 घंटा, तो पंपों की संख्या जब एक्स रहेगा तो हम लोगों को 4 घंटे का समय लगेगा। अब नीचे देखिए, क्योंकि कम समय में अधिक पंपों की आवश्यकता होगी, अतः यह प्रतिलोम अनुपात है। जितना ज़्यादा पंप लगेंगे उतना ही जल्दी काम होगा, ठीक है, इसलिए प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात का फॉर्मूला में यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 20 × 12 बराबर एक्स गुना 4 हो जाएगा, और 20 और 12 गुना करेंगे तो 240, और यहाँ पर 4x हो जाएगा। 4 को उधर ले जाएंगे तो 240/4 हो जाएगा, और काट देंगे तो x का वैल्यू 60 आएगा, यानी कि 60 पंपों की आवश्यकता होगी। अतः हौजे को 4 घंटे में खाली करने के लिए 60 पंपों की आवश्यकता होगी। इसे आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 10, देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे, एक झंडे की खंभे, देखिए 10 मीटर ऊंचाई वाले एक झंडे के खंभे की छाया 8 मीटर है। सामान्य स्थिति में उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया 12 मीटर है। तो आपको इस प्रकार हल करना है, माना कि बिजली के खंभे की ऊंचाई x, आगे लिखना है वस्तु की ऊंचाई मीटर में जब 10 मीटर है तब छाया कितना मीटर बनता है, 8 मीटर, और वस्तु की ऊंचाई मीटर में जब x है तब यहाँ पर छाया की लंबाई 12 है, यहाँ पर ये वाला x है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए नीचे, वस्तु की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उसकी छाया की लंबाई उतनी अधिक होगी, अतः यह प्रत्यक्ष यानी कि सीधा अनुपात है। जितना ऊंचा खंभा उतना ही ऊंचा परछाई। तो सूत्र है x1/y1 = x2/y2, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x को 8 से गुना कर देंगे, 8x हो जाएगा, और यहाँ पर इसको गुना कर देंगे 10 और 12 को तो 120 हो जाएगा। उसके बाद 8 को बराबर का दूसरी साइड लाएंगे तो भागा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 120/8 काट देंगे तो 15 बचेगा। इस तरीके से x बराबर 15 आए, यानी कि वस्तु की जो ऊंचाई है वह 15 मीटर है, अतः बिजली के खंभे की ऊंचाई 15 मीटर, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 150 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 45 दिन में करते हैं, उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए 150 व्यक्ति भवन बनाने में लग जाते हैं तो 45 दिन लगता है, तो 18 दिन में बनाना है, यानी कि ज़्यादा आदमी की जरूरत पड़ने वाला है, यानी कि यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। देखिए माना भवन को 18 दिन में बनाने के लिए x व्यक्ति की आवश्यकता होगी, व्यक्तियों की संख्या जब 150 रहता है तब कितना दिन लगता है, 45 दिन, और मानकर चलिए व्यक्ति की संख्या x है तब उसको 18 दिन समय लग रहा है, यानी कि 18 दिन बनाना है तो x व्यक्तियों की संख्या लगेगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, देखिए कम समय में अधिक आदमी की आवश्यकता होगी, अतः यह प्रतिलोम अनुपात है। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में, तो 150 × 45 बराबर x गुना 18 हो जाएगा, और 150 को 45 से गुना करेंगे तो 6750 हो जाएगा, 18 को x से गुना करेंगे तो 18x हो जाएगा, 18 को यहाँ पर पक्षांतरित करेंगे तो भागा में हो जाएगा, काट देंगे तो 375 बचेगा। अतः 18 दिन में बनाने के लिए 375 व्यक्ति की आवश्यकता होगी, इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक कार की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार एक घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये चलिए इसको मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसे सॉल्व कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे भी मैं आप लोगों को इसी प्रकार से मदद करूँगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।